तो देखें सोल्यूशन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू ये दो फंक्शन हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल स्केयर रूट एक्स का फिर प्लस लॉग नेचुरल स्केयर रूट एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर फर्स्ट फंक्शन का प्रोडक्ट क्या, तो क्या दिया हुआ है एक्स के रूट दिया गया अगेन एक्स का डेवेटिव होता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स के रूट है तो वन बाय टू शुरू में आ जाएगा और पावर में से वन माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस वन बाय टू और अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन हो जाएगा प्लस लॉग नेचुरल एक्स रूट एज इट इज एक्सकेयर पे पावर रूल लगेगा तो टू शुरू में आ जाएगा पावर में से वन माइनस हो जाएगा और अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन आ जाएगा विल बी इक्वल्स इक्वल्स टू टू ओवर डिवाइडेड बाय रूट ये टू शुरू में आ जाएगा और ये क्या बनेगा ये भी एक्स रूट ही बनेगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी प्लस यह आ जाएगा जी टू एक्स लॉग नेचुरल एक्सकेयरूट एक्सकेयरूट इंटू एक्स के रूट बेस है मैं पावर दैर होंगी वन बाय टू प्लस वन बाय टू तो ये वन हो जाएगा यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस टू एक्स इंटू लॉग नेचुरल स्केयरूट एक्स तो ये एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा एक्स बाय टू डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू एक्स बाय टू प्लस टू एक्स लॉग नेचुरल रूट एक्स यहां तक भी आपका आंसर ठीक है अगर आप इसका एल्शियम लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी होगा क्लियर आइए नेक्स्ट में मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है वाईज इक्व टू एक्स डिवाइडेड बाई लॉग नेचुरल एक्स तो डिवाइड हो रहा है तो क्या लगेगा क्वेश्चन ट्रूल लगेगा सोल्यूशन देखें टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्व टू डिनोमिनेटर का स्केयर लॉग नेचुरल एक्स का स्केयर लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एक्स आ जाएगा माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डेट इज लॉग नेचुरल एक्स क्लियर डीवाई बाई डी एक्स इज टू लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन माइनस एक्स एज इट इज लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन ओवर एक्स और अगेन एक्स का वन होगा डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल एक्स होल का स्केयर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा लॉग नेचुरल एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल एक्स होल का स्केयर और इससे मजीद ये सॉल्व नहीं होता तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्लियर आइए नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट है जी वाईक्स टू लॉग नेचुरल एक्सकेरस वन डिवाइडेड है इसको हम सॉल्व करते हैं पहले लॉग आ रहा है तो लॉग का डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम इसके स्केयर रूट को सॉल्व करेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव आएगा तो वन ओवर एक्स होता है एक्स की जगह पे एक्स केयर माइनस वन एक्स केयर प्लस वन सारे का स्केयर रूट दिया गया तो हम वही लिखेंगे अगेन एक्स का डेरिवेटिव होता है और एक्स की जगह पे यहां पे है जी डिवाइडेड सारे का रूट क्लियर जो चीज पहले आई है पहले उसका डेरिवेटिव लेना है फिर x है तो x की जगह पे जो भी वैल्यू दी गई है उसका डेरिवेटिव लेंगे इसको सॉल्व करते जाएंगे बहुत इजी है फॉर्मूला हमारे पास वही है dy बाय डी एक्स इक्वल टू वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन इसका पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन इसकी पावर भी वन बाय टू क्लियर अलग अलग कर ली मैंने पावर डेरिवेटिव आएगा तो पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे वन बाय टू एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन होल पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगी क्योंकि पावर शुरू में आ गई पावर में से वन माइनस होगा वन माइनस होने की वजह से पावर क्या होगी नेगेटिव अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा अब इस पर क्या लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा आइन लगाते हैं साथ साथ हम इसको सिम्प्लीफाई भी करते जाते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये ऊपर चली जाएगी यह आ जाएगा एक्स केयर प्लस वन होल पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स केयर माइनस वन होल पावर वन बाय टू वन बाय टू एज इट इज इसकी पावर हम अगर पॉजिटिव करें तो यह आ जाएगा एक्स केयर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स केयर माइनस वन होल पावर वन बाय टू पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने अंदर क्या कर दिया चेंज कर दिया उल्टा दिया इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा क्वेश्चन ट्रू लगाएंगे एक्स केयर प्लस वन होल का स्केयर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्केयर प्लस वन न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ जो कि क्या आएगा टू एक्स क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एक्सर माइनस वन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स और वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू यह आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस वन होल पावर वन बाय टू डिड बाय एक्स केयर माइनस वन होल पावर वन बाय टू वन बाय टू एज इट इज़ इसकी भी पावर हम अलग अलग कर लेते हैं एक्स केयर प्लस वन होल पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स केयर माइनस वन होल पावर वन बाय टू अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टू एक्स होल एक्स एक्सर प्लस वन होल ये प्लस माइनस कैंसल हो गया एक्स स्केयर प्लस है तो पावर्स क्या होती हैं ऐड वन बाई टू प्लस इसी तरह एक्स स्केर माइनस वन एक्स स्केर माइनस वन इसकी पावर भी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी आइए लिखते हैं इसको दैट विल बीवस टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू एक्स स्केयर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन एक्स स्केयर माइनस वन दोनों की पावर क्या हो गई है वन हो गई है क्लियर वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन बाय टू एज इट इज है तो इसको हम वन बाय टू लिख देंगे यहाँ पे बच रहा है टू एक्स प्लस टू एक्स तो यह आ जाएगा फोर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल का स्केयर तो ये जो है पावर वन इससे कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे वन पावर बचेगी ये बनेगा डी वाई ओवर टी एक्स इक्व टू टू वन टू टू फोर तो ऊपर आया टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन क्लियर अब हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला है बार बार हमने पढ़ा है ए स्क्यर माइनस बी स्क्यर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो यहाँ पे देखें एक दफा प्लस और एक दफ़ा माइनस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्यर प्लस बी स्केयर ए स्क्यर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर का स्केयर माइनस वन का स्केयर तो वन का स्केयर वन ही रहेगा तो ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर माइनस वन और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्लियर फ्रेंड्स आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है वाई जी कोस टू ई पावर माइनस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी सा सोल्यूशन है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स अब यहाँ पे ई पावर माइनस टू एक्स एक फंक्शन है साइन टू एक्स सेकंड फंक्शन है तो क्या लगेगा जी प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन टू एक्स फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन टू एक्स एज इट इज

एज इट इज और एक्सपोनशियल की पावर क्या माइनस टू एक्स तो माइनस टू एज इट इज आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन आ जाएगा टू कॉमन आ रहा है ई पावर माइनस टू एक्स कॉमन आ रहा है पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं ई e पावर e ये आ जाएगा जी टू ई पावर माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस टू ई पावर माइनस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स तो उन्होंने कॉमन क्या आ रहा है टू पावर टू इंटू पावर माइनस टू एक्स तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू टू ई पावर माइनस टू एक्स बचेगा क्या यहां पे आ जाएगा जी कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है इससे मजीद ये सॉल्व नहीं होता क्लियर फ्रेंड्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जी फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स इसको भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे बहुत इजी सा सोल्यूशन है इसका टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे भी दो फंक्शन हैं दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर साइन एक्स प्लस ई पावर साइन एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है एक्स है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल साइन एक्सर एक्सर टू एक्सावर थ्री एक्स सेम उसी तरह से घबराना e e e नहीं है इसको तो एक्सपोनशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनशियल ही आता है ई पावर साइन एक्स ही आएगा अगेन उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है तो यहां पे इसकी पावर क्या है डी डी एक्स ऑफ ठीक है इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है वही चीज है सेम प्लस ई पावर साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज ई पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स प्लस ई पावर साइन एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा दोनों तो में कॉमन क्या आ रहा है ई पावर साइन एक्स कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ई पावर साइन एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा एक्स कॉज एक्स और यहां से बचेगा वन और इससे मजीद ये सॉल्व नहीं होता तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्लियर फ्रेंड्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जिसमें नेक्स्ट ने 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 है जी ट्वेल्थ पावर वाईक्वल्स टू एक्स प्लस वन होल पावर एक्स अब यहां पे क्वेश्चन क्या है जी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ये हमारे पास दो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो थर्टीन पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है अब तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं प्रोडक्ट रूल हो गया इसी तरह से पावर रूल है क्वेश्चन रूल है या डेरिवेटिव हैं उसमें हमारे पास कांस्टेंट की पावर होती थी या कांस्टेंट पावर में होता था तो हम पावर रूल लगा लेते थे इसको हम कैसे सॉल्व करें वेरिएबल तो चलो ठीक है नीचे आ गया बेस में अब ऊपर पावर वेरिएबल है तो इसको कैसे कौन सा रूल लगेगा तो हमारे पास फिलहाल कोई रूल नहीं है तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड्स सॉल्यूशन देखें ताकि हम इसको किसी तरह से सॉल्व कर सकें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग नेचुरल ले रहे हैं जी ये बन जाएगा लॉग नेचुरल वाई इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन होल पावर एक्स ठीक है अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर शुरू में आ जाती है अगर शुरू में कुछ दिया गया हो तो ये पावर बन जाता है तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल वाई इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन और इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है लॉग एक्स की अगर कोई पावर दी गई हो फर्ज करें ये वाई दी गई है तो ये वाई इंटू लॉग नेचुरल एक्स के इक्वल होगा पावर जो है वो क्या आ जाएगी शुरू में आ जाएगी तो यही हमने प्रॉपर्टी यूज की है अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेट विल बी इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव आएगा तो ये आ जाएगा जी डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल वाईक्वस टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन ये दो फंक्शन हैं तो क्या लगेगा जी प्रोडक्ट लगेगा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स तो एक्स की जगह पे क्या वाई अगेन वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लॉग इन टू एक्स प्लस वन और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है एक्स क्लियर यह आ जाएगा जी वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू एक्स एज इट इज लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स तो एक्स की जगह पे क्या दिया गया एक्स प्लस वन अगेन डेरिवेटिव आएगा एक्स प्लस वन का तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन और वन का डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो प्लस लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ये वन आ जाएगा विल बी को मैं अगर इस साइड पे ले आऊं तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई इन टू इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन ये वन से मल्टीप्लाई होगा अब सिंपली क्या होगा जी यहाँ पे आप एल्सियम लेना चाहें एल्सियम ले सकते हैं इसको एज इट इज रहने दें यहाँ पे सिर्फ आप क्या करें y की वैल्यू पुट कर दें पुट करते हैं विल बी टू ओवर दे की वैल्यू क्या है जो हमें दी गई एक्स प्लस वन होल पावर x इन टू एक्स ओवर लॉन्ग नेचुरल एक्स प्लस वन ये इससे मजीद सॉल्व नहीं होता एल्शियम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है इसी तरह से इसका थर्टीन पार्ट भी है आ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी सिंपल आपने क्या करना है पहले लॉग लेना है पावर शुरू में आ जाएगी और फिर उसके ऊपर आपने डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल लगा के आपने उसको सॉल्व करना है एंड पे आपने वाई की वैल्यू पुट कर देनी है क्लियर है आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जी स्ट्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वाइज इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस वन स्केर रूट इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वन होल की पावर थ्री बाय टू अब इसको डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें कोई लॉग नहीं है कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है तो आप क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं डिनोमिनेटर एज का इसका स्केयर आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा तो हम कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से कम करते हैं दो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं किसी तरह से ताकि हमारे लिए ये सोल्यूशन इसका इजी हो सके y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर सारे का स्केयर रूट x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब एंड होल पावर थ्री बाय टू मैंने वन को स्केयर की फॉर्म में लिखा है यहां पे वन को क्यूब के फॉर्म में लिखा है इसकी रीजन क्या है जी इसकी रीजन है वी नो डेट ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्व टू ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी एक दफा प्लस एक दफा माइनस अब यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां पे फॉर्मूला लगेगा तो डेट विल बी इक्वस टू यह आ जाएगा ए प्लस बी इन टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्र ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं अब हम इनको जस्ट यूज करेंगे डेट विल बी इक्व टू वाई वाईक्वस टू यह आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन सारे का स्केयर रूट इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय अब यहां पे मैं क्यूब ओपन कर रहा हूं तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन ए बी माइनस ए बी तो एक्स इंटू वन एक्स ही रहेगा और बी का स्केयर वन का स्केयर क्या होगा होल पावर क्या हो जाएगी थ्री बाय टू ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर अलग अलग हो सकती है यहाँ पे भी पावर अलग अलग हो जाएगी तो एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू एक्सकेयर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू बेस सेम है और पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी जब इसकी पावर्स ऐड होंगी तो डेट विल बी इक्व टू एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू एक्स माइनस वन होल पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा अब हमारा जो फंक्शन बचा है उसे हम इजीली क्वेश्चन रूल के साथ सॉल्व कर सकते हैं तो आइए लिखते हैं वाई को जी स्टूडेंट्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय अब इस पर क्वेश्चन रूल लगाना बहुत ईजी है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड डेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेट विल बीव टू डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू क्वेश्चन टूल लगेगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू एंड सारे का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्केयर क्वेश्चन टूल में डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन होल पावर वन बाय टू माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एक्स माइनस वन होल पावर वन बाय टू तो डेरिवेटिव आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्केर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू क्लियर है दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वन बाय टू शुरू में आ जाएगा एक्स माइनस वन पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगी और अगेन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन और माइनस वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा माइनस एज इट इज एक्स माइनस वन पावर वन बाय टू डेरीवेटिव आएगा तो पावर शुरू में आएगी थ्री बाय टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू माइनस वन हो जाएगा और अगेन बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा का डेरिवेटिव टू एक्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन और वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क् माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये पावर इससे कैंसल हो जाएगी क्लियर डेट विल बीव टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू ये पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स माइनस वन होल पावर वन बाय टू माइनस यहाँ पे यह जाएगा जी एक्स माइनस वन पावर वन बाय टू थ्री शुरू में लिख लेते हैं टू हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं या आ है जाएगा एक्स के माइनस एक्स प्लस वन पावर थ्री बाय टू में से जब वन माइनस होगा तो क्या बचेगी वन बाय टू बच जाएगी और साथ क्या आएगा जी टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन और होल डिवाइडेड बाय टू ये वाला एंड ये आ जाएगा जी एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब क्लियर फ्रेंड्स अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है और हम एल्शियम लेते हैं और देखते हैं ये किसके इक्वल आता है आइए जी स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सप्रेशन एक दफा दोबारा लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स x माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू डिडेड बाय टू इंटू एक्स माइनस वन होल पावर वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू एक्स माइनस वन होल पावर वन बाय टू एक्स के माइनस एक्स प्लस वन होल पावर वन बाय टू इंटू टू एक्स माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स के माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब क्लियर ऊपर एलसीएम ले लेते हैं ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू एलसीएम ले रहे हैं जो कि क्या आएगा टू एक्स माइनस वन होल का स्केयर रूट मतलब पावर वन बाय टू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू एज इट इज टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन पावर वन बाय टू और वन बाय टू तो पावर क्या हो जाएगी वन हो जाएगी क्लियर इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन सारे का स्केयर रूट एंड एक्स माइनस वन एज इट इज होल डिवाइडेड बाय डिनोम एक्स स्क्स एक्स प्लस क्लियर या कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क् माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू थ्री को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन सारे का स्केयर रूट एंड ये आ जाएगा जी टू इंटू एक्स माइनस वन स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब क्लियर इसे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाय टू माइनस ये आ जाएगा जी थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री टू जिक्स एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन सारे का स्केयर रूट होल डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स माइनस वन स्केयर रूट एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब क्लियर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स आइए लिखते हैं जी स्टूडेंट्स डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स पावर थ्री बाय टू को मैं लिख सकता हूं वन प्लस वन बाय टू तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल पावर वन एंड एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल पावर वन बाय टू बेस सेम हो तो पावर जैड होती हैं वन वन प्लस टू क्या हो जाएगी थ्री बाई टू हो जाएगी माइनस सिक्स एक्स स्क् माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल पावर वन बाय टू एंड होल डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स माइनस वन एक्सकेयर माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है पावर वन बाय टू वाला ये कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल पावर वन बाय टू और यहाँ से बचेगा एक्स स्वेयर माइनस एक्स प्लस वन फिर माइनस ये भी कॉमन आ चुका है सिक्स एक्स स्केयर प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स माइनस वन स्केयर रूट एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब अब ये दोनों बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर छोटी या नीचे आके इधर आ जाएगी तो इसके साथ माइनस हो जाएगी थ्री माइनस वन बाई टू हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू माइनस फाइव एक्स स्क्र प्लस एट एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स माइनस वन स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल का क्यूब माइनस वन बाय टू ये वाली पावर इधर आ गई क्या होगी माइनस होगी क्लियर थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू तो फाइव बाय टू बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस फाइव एक्स स्केयर प्लस एट एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाय टू इन टू एक्स माइनस वन स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर फाइव बाई टू ये इससे मजीद सॉल्व नहीं होता तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्वेश्चन नंबर टू के जितने भी पार्ट रिमेनिंग है वो सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं आपने खुद से उसको सॉल्व करना है हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह